मराजो M6 8 सीटर 2019 मॉडल। इसमें एक इशू आ रहा है, को पैसेंजर पैसेंजर सीट का जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई बैठता भी नहीं है तब भी ये रनिंग में लाइट वार्निंग लाइट आती है कि बेल्ट लगाओ, जैसे इसमें आती है नॉर्मली, और कंटिन्यू बीप साउंड आता है। तो अभी लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या इशू है। अभी हमने कोड चेक किया, फॉल्ट कोड आ रहा है। फॉल्ट कोड तो कुछ भी नहीं है, हमारे स्कैनर है लॉन्च X431 प्रो GT। इसमें फॉल्ट कोड चेक करते हैं, SRS में कोई कोड नहीं है। रीड डाटा स्ट्रीम में जा रहे हैं और सेंसर स्टेटस पे चेक करते हैं। बक्कल बक्कल अनबक्कल दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये बक्कल नहीं है। अभी यहाँ पे बक्कल हो गया, तो मतलब हमारा जो बक्कल है उसका सेंसर सही से काम कर रहा है। फ्रंट पैसेंजर सेंसर फॉल्टी फॉल्ट स्टेटस, इसमें भी कोई एरर नहीं दिखा रहा, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइंड आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, फाइनली हमें इसमें ये इशू मिला कि ये गाड़ी महिंद्रा मराजो में एक कंपनी ने TSB लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक ये गाड़ी में एक अपडेशन आया हुआ है। उस अपडेशन के बाद में TSB यानी TSB है, उस TSB अपडेशन के बाद में ये प्रॉब्लम जो था सीट बेल्ट वार्निंग का, वो इशू सॉल्व हो जाता है। तो हमने इस गाड़ी को OEM भेजा, और OEM में भेजने के बाद में पता चला कि इसका एक TSB है जो अपडेट हुआ। TSB के मुताबिक इसको अपडेट करना पड़ता है, तो कंट्रोल मॉड्यूल अपडेशन के बाद में ये इशू सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख लो। ये लाइट आई क्योंकि मेरा अपना सीट बेल्ट लगा नहीं है। उधर का बेल्ट नहीं लगाया अभी, लेकिन कोई वार्निंग लाइट नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि इसका TSB है गाड़ी का, और इसके लिए गाड़ी अथोरा डीलरशिप सर्विस सेंटर में भेजना पड़ता है। उसके बाद वो लोग ये मॉड्यूल अपडेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।